ਤਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ CLU ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। सुखबीर बादल ने कहा छोटे व्यापारियों का 10 लाख रुपए का मुफ्त का सेहत बीमा होएगा। व्यापार च दलाल ते ब्रोकर्स हटाए जाने की भी गल आते नजर आए। तो जेडे छोटे दुकानदार है 10 लाख रुपए की जी लोन की प्रोविजन असी करावांगे, उहदे च 5% सबसिडी इंटरेस्ट की दी जाऊगी। जो बैंक का जे फॉर एग्जाम्पल 10% ब्याज है तो 5% सबसिडी वो पंजाब सरकार उन्होंने देगी, बैंक को सीधी दे दूगी आ सबसिडी। उवें जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है या MSP सैक्टर है छोटा, जे देखिए जे 50 लाख की वर्किंग कैपिटल उत्ते असी 3% की उन्होंने इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग जे बंदे अपने करते हैं उन्होंने 3% की असी सबसिडी सीधी बैंक जिहड़ा भी लोन होगा उसी सानू अप्लाई करनगे, वो जिहड़ा लोन होगा उन्हें 3% की डायरैक्ट इंटरेस्ट सबसिडी असी उन्होंने देवांगे। सो 5 लाख रुपये की असी जिवें कोऑपरेटिव बैंक है उवें 5 लाख रुपये तक जिहड़े सैल्फ इंपलॉयमेंट वास्ते 5 लाख रुपये वास्ते लोन दिता जाऊगा, पर इंटरेस्ट फ्री होगा। इंटरेस्ट फ्री प्रिंसिपल वो मोड़ देंगे उन्होंने 5 साल या 10 साल, पर इंटरेस्ट मैं छोड़ा कि जो पैर वो बच्चे ने पैर ही खड़े अपने खड़ा होना है। जे तुसी ब्यूटी पार्लर किसने खोलना या कोई अपनी कोई होर कोई दुकान खोलनी है जे उन्हों लोन मिल जाए पर ब्याज ना देना पे, एक बहुत वड्डा आपां सैल्फ इंपलॉयमेंट वास्ते एक बहुत वड्डा बूस्ट जिहड़ा मैं सोचिया।